हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैडम शांतनु डिजाइन क्राफ्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आ गया हूँ गार्मेंट एक्सपो, जहाँ पे कोलकाता में लगा हुआ है। ये 19 एडिशन चल रहा है। अभी हम लोग बस एंट्री करने वाले हैं। ये एंट्री गेट है। जैसे कि आप लोग अगर आने के लिए आना चाहते हैं तो इस तरह से आ सकते हैं। जैसे कि हावड़ा से हम लोग बस में मिलता है, टैक्सी में भी करके आ सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे विश्व बांग्ला मेला प्रांगण बोलते हुए जगह, जो स्टेडियम है, स्टेडियम भी बोलते हैं, ऑडिटोरियम है, इस पर आराम से आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अंदर देखते हैं हम लोग क्या क्या है उस पर। दोस्तों, ये हम लोग आ गए अभी अंदर, जहाँ पे हमारा हॉल का शुरुआत है, जहाँ पे हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और इस तरह से हम लोग आगे जाके यहाँ पे एक रिसेप्शन बना हुआ है, जहाँ पे QR कोड को स्कैन करके हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है नंबर डाल के। तो ये हम लोग प्रोसेस अभी थोड़ी देर में कर लेंगे। ये जो है दोस्तों, ये लेज़र कटिंग मशीन है। ये JSN लेज़र उसका है, का इमल्शन कंपनी है फोटो किना का। इसमें आपको सारे इमल्शंस जो है वो मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट है ये फोम का भी कुछ सैंपल्स है। देखिए यहाँ पे कार्ड दिखाई दे रहा है, कौन सा कंपनी है, ये सारे नाम आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये फोम का है। इसके अलावा ये सारे मशीन का टूल्स पार्ट है, टूल्स मिलता है यहाँ पे, मशीन का पार्ट्स मिलता है। ये जो है कंप्रेशर है इसके पास, और इस कंपनी का नाम है जेंटेक सिस्टम एंड सॉल्यूशन। दोस्तों, ये लेज़र कटिंग है, ये भी लेज़र में कटिंग कर रहा है। जो यहाँ पे किसी भी सनबोर्ड या फिर सन टाइप का किसी भी लेज़र से प्रिंट होता है, लेज़र से कटिंग होता है, सब कुछ यहाँ पे सारे कुछ देखने को मिल रहा है आपको, जो कटिंग करके रखा है, सैंपल्स है। टर्टल का गाइज, ये ज्योति मशीन है। यहाँ पे आपको सारे हीट ट्रांसफर लेवल का जो फ्यूजिंग मशीन होता है, ये सारे मिल जाएगा यहाँ पे। ये आपका विनाइल का ट्रेडिंग है, बालाजी ट्रेडिंग, न्यू दिल्ली से आया हुआ है। उसके बाद ये आया है, ये कंपनी है एम्ब्रॉयडरी का, फैबलॉक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ये चोला वाले का मशीन है, जो यहाँ पे कोलकाता में डिस्ट्रीब्यूटर है किशोर ब्रदर्स करके, उनके पास डिस्ट्रीब्यूटर है। आपको चोला मशीन का किसके पास से लेना है तो किशोर ब्रदर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ये है तानिया एंटरप्राइज, जहाँ पे आपको सब्लिमेशन का सारा सामान मिल जाएगा। तानिया एंटरप्राइज में सब्लिमेशन हो गया, हीट ट्रांसफ़र हो गया, सारे कुछ मिल जाएगा इनके पास। देखिए ये सैंपल बना हुआ है, अब देखिए कितना खूबसूरत सैंपल लग रहा है। 4 कलर COYK का बना हुआ है। इसके अलावा ये देखिए, ये भी सैंपल बहुत बढ़िया है इनके पास। ये जो बना हुआ है टी शर्ट के ऊपर, आप इसको बनाने का ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं होता है। आप एक बार ये मशीन ले लिया तो उसके बाद आप ये सब चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि ये ETF का भी बना हुआ है, हीट ट्रांसफ़र लेवल है इसके पास। तानिया एंटरप्राइज सब्लिमेशन का काम करते हैं। अब आगे चरण वाले का, ये चरण का मशीन है। देखिए चरण का मशीन जो है, यहाँ पे इन्होंने टेक्सटाइल प्रिंटिंग का मशीन लगा के रखे हैं।
जो ऑटोमेटिक टेक्सटाइल प्रिंटिंग, पूरा न्यूमेटिक है मशीन। देखिए कितना बड़ा है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टोपस मशीन। वैसे ये देखिए इसका प्रिंटिंग, ये CMYK प्रोसेस प्रिंटिंग किया हुआ है इन्होंने वाइट के ऊपर, ये सारे स्क्रीन लगा हुआ है। प्लॉटर है ना, साइज क्या है इसका, साइज क्या है? 74। दोस्तों ये देखिए ये कितना छोटा सा एक्सपोजिंग मशीन, गाइज अब आ गया ये पेपर प्रिंटिंग का मशीन, जो छोटा सा 10-15-20 का मशीन साइज़ है, ये भारत वाले का है। अब ये आगे जो देख रहा है ये भी सब्लिमेशन नहीं, ये हीट ट्रांसफ़र लेवल का मशीन है। ये DTF मशीन है, DTF मतलब डायरेक्ट टू फ्लेम, हीट ट्रांसफर लेवल बनाता है। दोस्तों ये जो मशीन है ये स्टड बनाता है, स्टड मतलब आप कैसे बताएंगे, हम लोग जो हमारे टी शर्ट के ऊपर कभी कभी देखेंगे आप, ये थोड़ा थोड़ा मतलब स्टार जैसा कुछ गोल्डन मतलब सिल्वर कलर का लगा हुआ रहता है उसका, वो मशीन वो डिज़ाइन को बनाते हैं, उसके बाद डिज़ाइन के बाद उसमें अप्लाई करते हैं। देखिए ये देखिए इसका सैम्पल्स देखिए मैं आपको दिखा, और ये जो है ये प्लॉटर कट है, किस तरह से प्लॉटर कट किया है, अब उसका सैम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये रहा, ये देखिए ये बनाया हुआ है, और ये है DTF का मशीन जहाँ पे DTF प्रिंट किया हुआ है। देखिए CMYK के प्रिंट को वाइट और पाउडरिंग होके एकदम से रेडी होके पीस बाहर निकलता है, मतलब ये मशीन लेने के बाद आपको सिर्फ डिज़ाइन रेडी करना है, उसके बाद सीधा बाहर निकल जाएगा, प्रिंट होके रेडी होके बाद आपको शीट कट करना है, कट करके आपको कस्टमर को दे देना है, बस इतना ही करना होता है। ये मशीन इसका ये फ़ायदा है।
दोस्तों ये डीसीसी का मशीन है, डीसीसी मतलब एमएनआर। देखिए एमएनआर का मशीन लगा हुआ है इनके पास, छोटा पैलेट है बड़ा पैलेट है, दो मशीन लगाए हुए इन्होंने। इनका प्रिंटिंग क्वालिटी देखिए, ये घंटे में काफ़ी प्रिंट कर देते हैं। हर एक डिज़ाइन का अलग अलग प्रिंटिंग का क्वांटिटी होता है। आप इसमें ऑटोमेटिक प्रिंट कर सकते हैं, दो जॉब एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा दिखाता हूँ, ये देखिए साइड में और एक मशीन लगा हुआ है। इसका पैलेट साइज़ मेरे को लगता है बहुत बड़ा है, और इन्होंने पूरा पल्ला प्रिंट किया है। पल्ला प्रिंट मतलब देखिए पूरा पल्ले का साइज़ में प्रिंट किया हुआ है, और प्रिंटिंग देखिए एक के ऊपर एक चार कलर का प्रिंट किया, इतना बढ़िया लग रहा है देखने के लिए। ये प्रिंटिंग मशीन जो है ये आपको डीसीसी ग्रुप में ही मिल सकता है, मतलब एमएनआर का ब्रांड है इनका। आप इस मशीन को देख सकते हैं कि किस तरह से प्रिंट कर रहा है। अभी तो प्रिंट बंद है, लेकिन क्या प्रिंट करके रखा हुआ है इन्होंने। और ये है क्रिएटिव इंक का, क्रिएटिव इंक जो है काफ़ी सारे वैल्यू एडिशन का इंक बनाते हैं इनके पास। आप इनसे अगर कोई वैल्यू एडिशन प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इससे बात कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर। इनके पास अलग अलग वैरायटी का इंक होता है। दोस्तों ये एम्ब्रॉयडरी का मशीन है, देखिए एम्ब्रॉयडरी हो रहा है, रेड कलर का एम्ब्रॉयडरी। आप कंप्यूटराइज्ड होता है ये सारे, कंप्यूटर में आप डिज़ाइन बनाएंगे, उसके बाद मशीन पे आप कमांड देंगे तो ऑटोमेटिक उस डिज़ाइन को ये प्रिंट कर देगा। इससे कई तरह का धागा हुआ लगा हुआ रहता है। देखिए ये जो डिज़ाइन बना हुआ है इन्होंने एम्ब्रॉयडरी का, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मशीन काफ़ी सारे हेड होता है इसका। ये देखिए ये जो डिस्प्ले है इसमें सारे कुछ आपको बता देता है कि किस तरह से करना है। ये देखिए एम्ब्रॉयडरिंग हो रहा है अभी, कितना खूबसूरत रेड कलर का एम्ब्रॉयडरी हो रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है।